हेलो गाइस, रितेश गौतम हियर। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल एक्सपर्ट नॉर्थ्स में। हमारा ये दाका सीरीज चल रहा है जिसमें हम आगे चलते हैं बिना देरी किए। आगे चलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हमसे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकें। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं। चलिए देखते हैं। यहां सबसे पहला है ऑर्डिनल्स से पहले द का प्रयोग करेंगे आप। कार्डिनल्स वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to 100,000, lakh जो भी होगा वो कार्डिनल्स हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th and so on, जो चलते चले जाएंगे TH के साथ, वो होते हैं ऑर्डिनल्स। जैसे कि फर्स्ट द सेकेंड, इनके साथ आपको दा लगाना है। जैसे कि द थर्ड लेसन, यहाँ दा दे के लगाए क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनल आ रहा है। द थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से यहाँ देखें, ही इज द फर्स्ट, दा लगाया आपने फर्स्ट के पहले, टू अराइव इन द मीटिंग। तो और भी अगर ऑर्डिनल आपको नजर आ जाए तो ऑर्डिनल के पहले आपको दा लगाना ही पड़ेगा गाइस। इसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशंस के पहले, जो वाद्ययंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पहले, और इन्वेंशन, खोज जो की जाती है उनके पहले। जैसे कि शी कैन प्ले द फ्लूट, वो बांसुरी बजा सकती है। शी इज प्लेइंग द वायलिन, वो वायलिन बजा रही है। या शी कैन प्ले द वायलिन, वो वायलिन बजा सकती है। She can play the tom tom, वो ढोलक बजा सकती है। She can play the trumpet, वो trumpet बजा सकती है। Okay? इस तरीके से आपने इनको यूज करना है। ऐसे who invented the telephone या telescope, telephone या telescope किसने खोजा, who invented the आपने लगाना होता है इनके पहले, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर वो कोई भी इन्वेंशन हो। इसके बाद देखिए निम्न फ्रेजेस, यानी कि सिनेमा और थिएटर को गो टू के साथ लगाओगे तो इनके साथ दा लगेगा लगेगा गाइस। गो टू द सिनेमा या फिर गो टू द थिएटर ही होता है। यहाँ नीचे एग्जांपल भी मैंने दे दिया आपको। शी इज गोइंग टू द सिनेमा, वो सिनेमा जा रही है। या फिर शी इज गोइंग टू द थिएटर, शी की जगह आप बदल सकते हैं सेंटेंस को, ही इज गोइंग टू द सिनेमा, दे वेंट टू द थिएटर। ओके, डिपेंड करता है कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में है। ओके, अब यहाँ कुछ फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस में दा लगेगा ही। जैसे कि व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, ध्यान रखें इन फ्रेजेस को याद रखें। इसके बाद देखें कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। ही केम टू द रेस्क्यू, वो बचाव के लिए आया। ही केम टू द रेस्क्यू, केम टू द रेस्क्यू बचाव के लिए आना, रात बचाव रात में आना। ठीक है, द मार्केट इज हॉट विद द र्यूमर, हॉट विद द र्यूमर का मतलब होता है र्यूमर उड़ना, मतलब कि गर्मा गर्मी है र्यूमर से। ओके, इसके बाद कीप टू द लेफ्ट, अपने हाथ पर रहिए, उल्टे हाथ पर रहिए, उल्टे हाथ पर चलिए। ओके, ही इज इन द रॉन्ग, वो गलत ही है, इन द रॉन्ग ये गलत है वो, है ना। तो इस तरीके से इन फ्रेजेस के पहले आपने दा का प्रयोग करना ही होता है गाइस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमें एक्टिव बनाता है और आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।